आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस रामा के साथ हम मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर पे। और यहां किसान जो आंदोलनकारी लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं बैठे हुए हैं, यह उनका मंच है। यहाँ से सुबह 11 बजे ये संबोधन करते हैं और शाम को 4 या 5 बजे तक संबोधन करते हैं। और यहाँ किसान बैठे रहते हैं और यहाँ भजन कीर्तन करते हैं, गाते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं और अपने आपस की बातचीत करते हैं कि आगे की रणनीति भी बनाते हैं। अब यहाँ मंच देख लीजिए, खाना पीने का समय हो चुका है। यहाँ से जो किसान आंदोलनकारी बैठे हुए हैं अपने अपने टेंटों में जा चुके हैं और अब ये अपना ठंड का समय है, जाएंगे खाना पकाना और लंगर लगाना और लोगों की सेवा करना, काफ़ी इनके पास कार्य होते हैं। लेकिन यहाँ मंच अब समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ यहाँ मंच के बाद कुछ किसान और कुछ महिलाएं जो किसान दूर दराज से आए हैं मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मोदी जी ने लगभग 75 मिनट एक भाषण दिया संसद में कल, आप सबको पता, अपने सबने देखा होगा। 75 मिनट के भाषण में मोदी जी ने 2-4 बातें कही, परजीवी एक शब्द दिया किसानों को, परजीवी, और उसके साथ साथ 1 हेक्टेयर से कम वाले किसानों को फायदा होगा, यानी कि छोटे किसानों को फायदा होगा। तो मेरे साथ यहाँ छोटे किसान कौन से और बड़े किसान कौन से, ये भी जानेंगे इनके साथ। सबसे पहले हम, मेरे साथ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। बहन जी, क्या नाम, कहाँ से आए? मेरा नाम सुदेश गोयत है, सीसर खरवला हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। बहन जी, किसान परजीवी कैसा नाम दिया? मैं ये कहूँगी प्रधानमंत्री जी की ये छोटी सोच है और वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जो भी चाहे बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर आंदोलन नहीं हुए होते तो शायद आज भी हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम होता। अगर आंदोलन होते हैं तभी हमारा देश का विकास होता है। अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो सरकार अपनी मन मर्जी से जो चाहे करती रहेगी, तो सरकार तानाशाही बनी हुई है, बहुत घमंडी हो गई है सरकार, और जो चाहे कभी हमें खालिस्तानी बुलाती, कभी आतंकवादी बुलाती, कल एक नया नाम दे दिया परजीवी। मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से, मंदिर के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी भी आंदोलन कर रहे थे, तो क्या उनको भी यही नाम देंगे प्रधानमंत्री जी? मोदी जी खुद भी उसके साथ बैठते थे, तो इसके मतलब मोदी जी भी वही है जो हमें टैग दे रहे हैं, और वो जो साथ में लोग तालियां बजा रहे थे, टेबल बजा रहे थे, धिक्कार है उन लोगों पे। अरे प्रधानमंत्री जी के पास हमारी जो 200 भाई शहीद हो गए, मोदी जी के पास 1 मिनट का टाइम नहीं था उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कि भाई मेरे गलत कानून के वजह से हमारे 200 किसान चले गए, 273 और अभी और भी बहुत सारे हैं जिनकी गिनती पूरी यहाँ तक आई नहीं है। लेकिन इस सरकार को किसी क्रिकेटर के हाथ में अंगूठे में चोट लग जाती है, मोदी जी ट्वीट पे लिखते हैं उसके लिए, और किसान की चिंता नहीं है मोदी जी को। बहुत दुख हो रहा है, सच में बहुत दुख हो रहा है कि हम कैसे देश में हैं कि देश का मुखिया क्रिकेटर को ज्यादा अहमियत देता है, हीरो हीरोइन की शादी में जाने का टाइम है, पाकिस्तान बिना बुलाए चाय पीने जाने का टाइम है मोदी जी के पास, लेकिन अपने देश का अन्नदाता 2.5 महीने से ज्यादा हो गए सड़कों पे बैठा हुआ है, वो भी मोदी जी के गलत फैसले के कारण। माताएं बहनें को मजबूर किया गया कि वो यहाँ खुले में सोए, सड़कों पे चूल्हा बना के रोटियां बनाए यहाँ पे, और ऊपर से इल्जाम लगा रही है एक औरत, मैं कहूँगी कि बीजेपी की वो दल्ली बनी हुई है, वो कहती है कि 100-100 रुपए में बिकने वाली माताएं हैं। मैं कंगना रनौत से आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहूंगी, जो माताएं बहने यहाँ खुले में रह रही है ना, 24 घंटे का एक दिन पूरा माताओं के साथ बिताएं, जहाँ माता बाथरूम जाती है माताएं खाना खाती है वैसा काम करें। कंगना रनौत को किसान मुंह मांगा पैसा देंगे, एक रात हमारी माताओं बहनों की जिंदगी जी के देखे रोड पे आके। और सरकार को जितने टैग देने ना हमें दें, खालिस्तानी बुलाएं, आतंकवादी बुलाएं। प्रधानमंत्री जी आप कान खोल के सुन लें, जब तक आप तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेंगे ना, किसान घरों में वापस नहीं जाएगा। तो मेरे साथ महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है किसान बैठे हुए हैं, महिलाएं भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। साफ तस्वीरों में देख रहे हैं महिलाएं हैं, काफी दूर दराज से यहाँ बैठी हुई हैं और लंगर भी चला रही हैं, यहाँ महिलाएं सेवाएं कर रही हैं लगातार। बहन जी, छोटा किसान बड़ा किसान थोड़ा सा समझा दीजिए, छोटा किसान आपके पास कितनी जमीन है? जमीन है जी मेरे पास 10 एकड़। 10 एकड़ आप तो हेक्टेयर से कुछ ज्यादा, आपकी कितनी जमीन आपकी? 12 एकड़। 12 एकड़ आपके, बताइए। 17 पाँच किले हैं। 5 किले तो ये हेक्टेयर आप बड़े किसान में आते हैं,
तो एक्टियर होता है तीन एकड़, तीन किले का, ढाई किले का, तो छोटे और छोटे और बड़ा किसान बता दीजिए। बड़ा किसान 10 एकड़ मेरे पास है, मेरे पिताजी ने मेरे को दी, बराबर के दो लड़के हो रहे हैं, तीन तीन किले आगे कि नहीं आगे, क्या मेरे नाम ही बजेगी क्या? वो ये बात हुई ना, तो मुझे ये बताइए, ये सरकार कहती है 10 एकड़ 15 एकड़ उसके पोते हो रहे हैं, वो भी अलग हो रहे हैं, वो परिवार नहीं है क्या? मोदी जी ने एक बात और बोला है, जो एक हेक्टेयर से जो कम जिसके पास जमीन है उन लोगों को बहुत अच्छा फायदा होने जा रहा है। फायदा ये है, अडानी अंबानी जो कोडक खेती करेंगे एक झटके उनको साफ कर देंगे, ठीक है, उनको ये फायदा है, वो टांग अड़ाएंगे 100 किले 50 किले, जैसे बादल जैसे परिवार है, हुड्डा जैसे परिवार है, वो कई दिन टांग अड़ाएंगे, उनका हिसाब बाद में करेंगे। ये स्कीम है, यानी कि जमीन को बिल्कुल पहले सुनो बात, अपने मुरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे 1986 में, उस वक्त इन्होंने क्या किया, उनका बहुमत कम था, तो उस वक्त इन्होंने कहा कि एक किसान के पास जमीन बहुत ज्यादा है, तो वो 8 एकड़ 10 एकड़ जमीन एक परिवार के पास रखेंगे। उस वक्त विपक्ष वाले लीडर मजबूत थे, अब जो विपक्ष वाले हैं ना वो कमजोर है, वो बिके हुए हैं, काणे हैं, दलाल हैं, लूटे हुए हैं, उन फंसने के लिए डरे हुए, मोदी ने उनके रक्त देख लिया। नहीं इस देश में पार्टियां रह रही है, ना इस देश के मां विपक्ष रह रहा है। उस वक्त उन्होंने ये दिया जब चौधरी देवीलाल जी, मुलायम सिंह जी, लालू जी वगैरह दबंग जो नेता थे, किसान नेता, उन्होंने इनको ये कहा भी ठीक है पूरे देश में एक कानून बनाओ, पूरे देश में एक कानून बनाओ, और जो तुम्हारे फैक्ट्री और जो बिल्डिंग है और जो फार्म हाउस है वो सरकारी हवाले करो, और 8 एकड़ जमीन किसान के पास रहेगी उस कीमत की तुम्हारे पास रहो। जब ये पीछे हटे, अब मोदी ने ये दूसरा सिस्टम लेके देश को कंपनियों के हवाले करने का सिस्टम बना लिया है, तो 1 एकड़ वाले को ये फायदा होने जा रहा है ना, फायदा सबको बाद में होता जाएगा आस्ता आस्ता, यानी कि बड़े किसानों का बाद में एक स्कीम इनकी थी बीजेपी की, वो आज दूसरे राउंड में कर रहे हैं। गैस सिलेंडर दिया इन्होंने, उस वक्त 500 रुपए का था, हमने घर घर गैस सिलेंडर माताओं बहनों की आंखें ना फूटे, हमने दिए चज कराया, कंपनी का सारा सिलेंडर घर घर पहुंचा दिया, 1200 रुपए तक सिलेंडर पहुंचा दिया, सब्सिडी देंगे आपके खाते में आएगी, 500 से 1200 का कर दिया, 250 की सब्सिडी दी, उसको क्या मिला? दिहाड़ी मजदूरी उसके पास है ही कोनी, गरीब के घर में इन्होंने सिलेंडर दे दिया, 850 रुपए का वो महीने में खरीदती है, तो महीने में 2 हो गए, 1650 का कौन कमा के देगा माता को? मोदी जी मोदी जी किसानों से जमीन छीन के जो किसान बेरोजगार हो जाएंगे, सस्ते मजदूर उद्योगपतियों के लिए तैयार करना चाहती है, लेकिन किसान जाग चुका है, किसान के बच्चे जाग चुके हैं, माताएं बहनें जागरूक हो चुकी हैं, एक किसान आंदोलन ना रहकर जन आंदोलन बन चुका है। और मोदी जी मैं यही कहना चाहूंगी कि सहन शक्ति की एक सीमा होती है, 2.5 महीनों से पूरे अनुशासन में हमारे किसान डटे हुए, लाखों की संख्या में टिकरी बॉर्डर पर, ये यहाँ पे रियासत इलाका, माताएं बहने रहती हैं, 2.5 महीनों में एक भी बता दी कि कोई छेड़खानी का आरोप किसी का लगा हो, कोई शिकायत आई हो, हमारे साथ जवान बच्चे भी रहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, तो किसान कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकता, कभी तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता। जो लोग यहाँ गुंडे भेजे थे जेजेपी उसके, बीजेपी के, आरएसएस के, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि किसान को समझा रहे कि तिरंगे का सम्मान कैसे करते हैं। अरे किसान से बढ़कर देशभक्त कोई है ही नहीं, जिसके घर में हर रोज बॉर्डर से शहीद होकर उसके बच्चों की लाश तिरंगों में लिपट के आती है, तिरंगों का अपमान कभी नहीं कर सकता। तिरंगे का अपमान करते आरएसएस, जो 55 सालों तक उन्होंने नागपुर पे अपने हेड क्वार्टर पे तिरंगा नहीं फहराया। तिरंगे का अपमान वो लोग करते हैं जो बीजेपी का झंडा फहराते हैं, नीचे खड़े होकर जनगण मन गाते हैं। तो किसान को ना सिखाएं ये बीजेपी और आरएसएस वाले कि किसान को तिरंगे का सम्मान करना नहीं आता, किसान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, किसानों के बच्चे ही बॉर्डर पे जाते हैं, आज तक किसी नेता का बच्चा से किसी उद्योगपति का बेटा से नहीं हुआ। और मैं यही कहूंगी सरकार बोल रही है कि माताओं और बहनों को घर चले जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी माताएं कमजोर नहीं है, नारी कोमल है, कमजोर नहीं है, और हम जब तक यहाँ डटे रहेंगे, जब तक आप काले कानून वापस नहीं ले लेते, हमारी माताएं बहनें बैलगाड़ी चला सकती है तो हवाई जहाज भी उड़ाती है, माताओं को कमजोर ना समझे। अगर सच में माताओं बहनों की आपको फिक्र है ना मोदी जी, तो जल्द से जल्द कानून वापस ले लीजिए, क्योंकि किसानों को टाइम नहीं है सड़कों पे बैठने का, किसानों को शौक नहीं है सड़कों पे बैठने का, आपके एक गलत फैसले के कारण मजबूरी में मेरे भाइयों को यहाँ बैठना पड़ रहा है। आपको पता है ये मेरे भाई यहाँ डटे हुए, तो घर में पानी गेहूं में कौन दे रहा है? मेरी माताएं बहने पानी दे रही है। अरे दो पड़ोस ने इकट्ठी होकर रात को खेत में जाती है ताकि डर ना लगे,
वो माताएं बहने अपने गेहूं में पानी दे रही हैं, मजबूरी में बैठा हुआ है किसान, और मीडिया दिखाते कि पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। अरे इनकी तकलीफ तो दिखाओ कि कितनी तकलीफ में मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि तुम्हें मुंह मांगा पैसा देंगे किसान? तुम एक दिन की जिंदगी किसान की जी के तो दिखाओ। कंगना रनौत एक दिन की जिंदगी किसान की पत्नी बन के जी के तो दिखा दो। बाथरूम करने जाते उस बाथरूम में तू तो घुसना भी नहीं चाहेगी। मेरी माताएं बहने ढाई महीने से उस बाथरूम को इस्तेमाल कर रही है। अरे पांच पांच दिन मेरी माताओं को नहाए हुए हो जाता है बिचारियों को, कितनी तकलीफ में रह रही है वो, अपने पोता पोती से इतना दूर आके अपने गाय भैंसों को छोड़ के। जिन भाइयों के पास हम मेरे भाइयों को बुलाते थे कि भाई एक दिन के लिए आ जा, नहीं बहन खेत से फुर्सत ही नहीं है, और आज वो ढाई महीने से यहाँ बैठे हुए हैं। शौक में तो नहीं बैठे ना, अपना वजूद बचाने के लिए बैठे हुए हैं, अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता था वो किसी भी पार्टी के हो, सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किसान का भला किसी ने नहीं चाहा 70 सालों से, किसान का भला चाहते तो इतना गरीब नहीं होता हमारा किसान। और जो नेशनल चैनल है आज जो देश बर्बादी की कगार पे खड़ा ना, सबसे ज्यादा हाथ नेशनल चैनलों का है। उन्होंने देश के सामने सच्चाई नहीं रखी, सिर्फ और सिर्फ अफवाहें, मोदी जी की झूठी अफवाह वाई दिखाई। अगर मीडिया ने साथ दिया होता तो आज हमारा देश इतना बर्बाद नहीं हुआ होता। देश को सब कुछ तो बिक्री कर दिया इन्होंने, सब चीजों को प्राइवेट करते जा रहे हैं। अरे सारे हॉस्पिटल प्राइवेट हो जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल होगा नहीं, प्राइवेट की फीस मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है। मजदूर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता, और मुड़ के देखोगे कहीं सरकारी हॉस्पिटल नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? रोड पे पड़े सड़ेंगे मरेंगे। ऐसा ही हरियाणा के सारे स्कूल सरकारी बंद कर रही है सरकार, खट्टर सरकार। प्राइवेट के मेरा मजदूर भाई प्राइवेट स्कूल में बच्चे को नहीं भेज पाएगा, छोटा किसान नहीं भेज पाएगा, तो किसान और मजदूर के बच्चे तो अनपढ़ रहेंगे, वो या तो वो भीख मांगेंगे या डाका डालेंगे, चोरी करेंगे, तो उससे देश का विकास नहीं होगा। तो मैं यही कहूंगी कि वे उद्योगपतियों की जो कठपुतली बने हुए हैं मोदी जी, जब ये प्रधानमंत्री बने ना, हमें बड़ा गर्व हुआ था कि हमें बहुत अच्छा प्रधानमंत्री बना, हमारे देश का विकास होगा, हमने बड़े खुश होकर वोट दिए थे। क्योंकि सैनिकों से भी वादा किया था कि मैं 100 दिन में 1 रैंक 1 पेंशन दे दूंगा। मैं बताना चाहूँ मेरे भाई, 5 साल से ज्यादा हो गए, आपके देश के बहादुर फौजी आज भी जंतर मंतर पे आंदोलन जारी है, 19 तारीख को उनकी सुनवाई है, किसान आज सड़कों पे बैठा हुआ है, युवाओं को जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल, कहाँ है वो? इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। जनता का भरोसा मोदी जी से उठ चुका है, मोदी जी की सच्चाई सामने आ चुकी है। वो दो चेहरे लेके घूमते थे, एक तो वो मीडिया में दिखाते वो, एक वो नीचे नीचे जो उनकी कठपुतली बने हुए थे, देश को नीचे नीचे बेच रहे थे। अब जनता जाग चुकी है, और जब तक घरों में नहीं जाने वाले भाई, चाहे प्रधानमंत्री जी आप हमारे ऊपर लाठियां बरसवाएं, आंसू गैस के गोले बहुत छुड़वाए, लाठियां भी बरसवाई, वाटर कैनन से मौजूद हैं। और यहाँ जो मंच था, मंच अब थोड़ा थोड़ा यहाँ खत्म हो चुका है, लंगर में पहुंच चुके किसान, लेकिन कुछ किसान यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं और महिलाएं मौजूद हैं। महिलाएं की आंखों में आंसू हैं, साफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप, ये आंसू बहुत कुछ कह रहे हैं, ये आंसू बहुत कुछ कह रहे हैं महिलाओं के यहाँ पे डिग्री बॉर्डर पे। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, एक बात और जानना चाहूंगा, मोदी ने कहा एक कॉल की दूरी है, बात बन जाएगी, तो एक कॉल की दूरी समझे नहीं, आप किसान है, आपसे जानना चाहेंगे। हम समझ रहे हैं, मोदी जी कहते हैं आप आओ मेरे से माफी मांग लो और अपने घर चले जाओ, नहीं तो इसका परिणाम बहुत खराब होगा। ये मोदी जी कह रहे, भय दिखा रहे हैं, ठीक है ना? और कोई वो हमारा कुछ भला सोचने वाले नहीं है, ये तो पार्टी गंदी है, गंदे लोगों की पार्टी है, भागे हुए घर से, भागे हुए गुंडे लोग संघ के अंदर ये भर्ती करते हैं, कचड़े वाले कंवारे, उनको यही सिखाया जाता है भीड़ के अंदर घुसो, एक शरारत कर दो अपना आप भिड़ जाएंगे, आप निकल जाओ, दूसरे धर्म के अंदर बढ़ो, जहाँ जिस धर्म की मान्यता हो वहाँ हनुमान जी के मंदिर में चले जाओ, राम के नारे लगाओ, मुसलमानों के बीच के अंदर राम के नारे लगाओ, राम के नारे लगाने वाले हिंदू हमारी तरफ हो जाएंगे, वो गुस्सा मानेंगे, वो आपस में लड़ेंगे, हमें फायदा होगा। ये सरकार बहुत कुत्ती है, बुजुर्ग क्या करते थे, बोले संघ वालों को वोट मत देना, नहीं देश बर्बाद कर देंगे। आज आम आदमी को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है भाई साहब, और इनकी मंशा बहुत खराब है, और देशवासी जान चुके हैं, पार्टी जो भी है, जो भी पार्टियां हैं उनके अंदर दमदार लीडर नहीं है। आपने देखा है 2.5-3 महीने के अंदर विपक्ष के अंदर कोई
विपक्ष पार्टियों का लीडर आया है सामने किसानों के साथ। एक बात और मुझे, आपने 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 सवाल, एक मिनट, आपने सवाल किया ना, आपने सवाल किया कि मोदी जी ने कहा कि एक कॉल से दूर है, अगले दिन से मोदी जी ने नेट बंद कर दिया, मोदी जी ने हमारे रास्ते बंद कर दिए, नेट बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, पानी बंद कर दिया। शुक्र है मोदी जी के हाथ में हवा नहीं है, नहीं तो मोदी जी हमारी तरफ ऑक्सीजन भी ना आने दें। शुक्र है कि ये तो कम से कम मोदी जी के हाथ में नहीं, नहीं तो वो किसान जहाँ बैठे ना वहाँ पे ऑक्सीजन को भी रोक ले मोदी जी। तो मैं यही कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द आप तीनों काले कानून वापिस ले लीजिए, सहन शक्ति की एक सीमा होती है। मैं ये कह रही हूँ, जाग रहे किसान का मेरे, जाग के दिखा, अपने और पराए को पहचान के दिखा, अपने अधिकार तुझे खुद लेने हैं, मांगने से मिले नहीं छीन लेने हैं। तो अगर मांगने से नहीं मिला प्रधानमंत्री जी, हमें छीनना भी आता है, लेकिन हम अभी भी आपसे यही कहेंगे, ढाई महीने से अनुशासन में बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं, एकता से बैठे हुए हैं, और उसी चीज से आप डरे हुए हैं। मैं एक बात कहूंगी भाई, हरियाणा में एक कहावत है, मौका चुकर डूमनी गावे आड़ पचोड़। तो मेरी मोदी सरकार तू मौका चूक गई, तू आड़ पचोड़ गाई जा, तो जनता मोदी पर भरोसा कौन ही करे। मोदी की पोल खुल चुकी है कि ये सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं, और सिर्फ पूंजीपतियों की कठपुतली हैं, अडानी अंबानी के इशारों पे नाचने वाले हैं, और ये किसान हैं, ये किसी की तरह यहाँ सलवार पहन के भागेंगे नहीं आंदोलन छोड़ के, ये अपना हक लेके जाएंगे, लेके जाएंगे, लेके जाएंगे। मैं कहना चाह रहा था, जिस टाइम इलेक्शन था उस टाइम प्रधानमंत्री जी किसानों को अंधाता कहता था, अंधाता को पानी मिल जाए तो खेतों में सोना पैदा करेगा, और आज प्रधानमंत्री किसानों को परजीवी कह रहा है। परजीवी कौन होता है पहले प्रधानमंत्री से पूछा जाए, परजीवी है कौन? यहाँ परजीवी नहीं, किसान है। यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री को बनाया था, उस टाइम ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री हमारे लिए काम करेगा, अच्छा काम करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कर रखा है ये सबके सामने। और मैं जी न्यूज वाले से पूछना चाहता हूँ, क्या ये सच्चाई दिखाते हो आप? आर पब्लिक से पूछना चाहता हूँ, क्या ये सच्चाई दिखाते हो? ये सभी मीडिया का जो है नहीं, इसके कारण इलेक्शन जीतता ये, और ये इसके कहता कुछ और करता कुछ है। मैं भी आंदोलन से पहले इस प्रधानमंत्री का बहुत उसको इज्जत करता था, बहुत उसको मानता था, लेकिन आंदोलन के बाद में मैं इसके प्रधानमंत्री के खिलाफ हूँ, ये गलत कर रखा है इन्होंने। जी थैंक यू बहन जी, मैं एक बात और जान लेता हूँ चलते चलते, अभी आपका आंदोलन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक हो गया था पीछे कुछ समय, और वहाँ अकेले पड़ चुके थे, थके थे, ठीक है, कुछ आंखों में आंसू, पब्लिक पूरी रात को वहाँ चल पड़ी। तो आंदोलन उस समय कहीं ना कहीं कुछ किसान बैठे थे, आज पूरा सैलाब उमड़ पड़ा। तो अब क्या देखते हैं, क्या आपका सोल्यूशन होने वाला है, या कुछ दिन में हो जाएगा, या फिर सरकार हर धर्मी पर अड़ी रहेगी, क्या लगता है? देखिए हम जीत के बहुत करीब हैं, अगर सरकार अड़ी रहेगी तो किसान भी अड़ा रहेगा, ठीक है। मोदी जी एक है तो ये लाखों किसान है, ये पीछे हटने वाले नहीं है। और मैं हरियाणा की बात करती हूँ कि पहली बार मैंने अपनी उम्र में देखा कि रात में पंचायतें हुई, लाउड स्पीकरों से मंदिरों से बुलाया गया कि लोग जल्दी से जल्दी इकट्ठा हो और बॉर्डर पे पहुंचे, और रात को ढाई बजे ही लोग वहाँ टिकैत साहब के पास पहुंच गए थे। और मैं कहूंगी कि टिकैत साहब की आंखों से जो आंसू गिरे थे, उन्होंने अमृत का काम किया। जिन किसानों की आत्मा मर चुकी थी, जमीन मर चुका था, घरों में बैठे थे, वो लोग भी आज घरों से निकल निकल के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। आज हरियाणा का कोई गाँव तो छोड़िए, घर भी ऐसा नहीं बचा कि जिस घर से बॉर्डरों पे ना पहुंचे हों। माताएं बहनें यहाँ पे पांच पांच ट्रॉलियां एक एक गांव से माताएं बहनें भर के आ रही हैं, तीन तीन दिन रुक के गई हैं यहाँ पे। सीसर खरबला की तीन ट्रालियां तीन दिन यहाँ रुक के गई, महिलाओं की सांगी की बहनें चार दिन तक यहाँ बैठ के गई है। तो मैं कहूंगी नारी शक्ति जाग चुकी है, और जब नारी जाग जाए ना, तो नारी को जब अपनी पे आती है ना, यमराज से लड़ जाती, मोदी क्या चीज है, तो मोदी जी को ध्यान देना होगा इस बात का। अभी समय भी हो चुका आपके खाने पीने का, आपके लंगर का समय हो चुका है, तो अब क्या लगता है आपको यहाँ आने के लिए? बीजेपी सरकार खट्टर ने कभी बंद से डाली, पता नहीं क्या क्या लगाया हरियाणा से यहाँ पे जब आए हैं, तो अब कहीं ना कहीं उनके गढ़ में कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ी महापंचायत हुई है, उसको लेके क्या कहेंगे? जो खापों में पंचायतें हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी एकता हर घर घर में अलग जगाने का काम, गरीब अमीर मजदूर जो भी है ना, सह किसी से जुड़े हुए हैं, और सभी एक साथ होके एकजुट आवाज उठा रहे हैं। हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार को बने हुए 6 साल हो गए, हमारे हरियाणा में कुछ नहीं किया। 2014 के अंदर हरियाणा के कर्जा था तो 1400 करोड़ रुपए, ठीक है, अभी वो 135,000 करोड़ से भी ऊपर चला गया, सेंट्रल सरकार खा गई, ये कुछ जानता तो है नहीं, इनको सेंट्रल सरकार ने बिठा रखे है भाई। तुम जैसे मनमोहन सिंह जी को कहते थे भी ये तो नमूना बैठा है, इसी तरह से ये बैठे हैं।
घर का वो बना रहे, विजयी काम तो कुछ होने को ला रहा, पूरा देश आऊ भाई साहब राज तो चले को नहीं, विपक्ष आला है बह लहर लहर करे आगे नीचे अभी मारो इनाको निकल बोक रहे जनता मरो, और ए अडानी अंबानी जो भी बड़ा पूंजीपति है बह आने बड़ा बड़ा मतलब पीसा ठोके आगे अंधेरा गया मागुपत दान महा कल्याण बांगे थरू पूरे देश ने कर गया आराम राज करना चाहे यार बांगे जब मजदूर हो जाऊंगा जब कहेंगे बड़ी वोट पड़ेगा जाको राज चलते रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही कहानी है इनकी। जी बहन जी क्या कहेंगे? मैं ये कह रही हूँ कि हरियाणा में अभी लोगों ने पंचायतों ने फैसला लिया कि हर गाँव में बोर्ड लगाए जाएंगे कि जेजेपी और बीजेपी के लीडरों को गाँव में ना घुसना जाए। हमें दिल्ली जाने से रोक रहे ना, अभी हम हमारे गाँव में घुसने से इनको रोकेंगे। और जो दुष्यंत चौटाला है मैं उसको बताना चाहूंगी, खट्टर से ज्यादा गुनहगार दुष्यंत चौटाला तू है। तूने ताइयों को धोखा दिया, तूने ताइयों के पैरों में जा जाके मत्था टेकता था, तूने वादा किया था ताइयों से कि मैं 51 रुपए करूंगा ताई पेंशन, कह था ना ताई तई ये कित गया तेरा वादा, अरे प्राण जाए वचन ना जाए, तू झूठा आदमी निकला, तूने ताऊ देवी लाल के खून को लजा दिया, धिक्कार है तुझे, आज के बाद तू ताऊ देवी लाल का नाम कहीं लेगा तो तू लजा रहा है ताऊ के नाम को। तेरे अंदर मैं ये कहूंगी, तेरी माँ ने खुद कहा था कि हम बीजेपी को समर्थन तो बिल्कुल नहीं करांगे, और तू उनकी झोली में जाके बैठ गया। तुझे 10 सीटें तेरे नाम से नहीं आई, 10 सीटें इसलिए आई थी कि तूने लोगों को कहा था कि बीजेपी को जमुना पार भेजूंगा, इसलिए तेरे को 10 सीटें मिलकी थी। आज की तारीख में तू मुख्यमंत्री तो भूल जा, तू सरपंच का इलेक्शन लड़की दिखा दे, तू उसमें भी हारेगा। दुष्यंत चौटाला तू सरपंच भी नहीं बन सकता आगे से, इस बात को याद रखना तू। और तूने जो धोखा दिया ना युवाओं को, तूने अपने साथ साथ घुमाया मोटरसाइकिलों पे युवाओं को कि मैं 75% नौकरियां दूंगा, मेरे युवा बेचारे दिन रात तेरे लिए काम किया और आज भी वो बेरोजगार घूम रहे हैं। माताओं बहनों को 5100 रुपए पेंशन नहीं दी, किसानों को तूने धोखा दिया कि तूने कर्जा माफ कराऊंगा, ठीक है तूने समर्थन दिया हम नहीं बुरा माने इस बात का, लेकिन जो तूने वादे किए थे वो पूरे कराने चाहिए थे खट्टर से, और खट्टर नहीं करा रहा था उसी दिन तूने इस्तीफा वापिस लेते तो हम तेरे साथ होते और तुझे एक दिन मुख्यमंत्री भी बनाते, लेकिन तूने सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार किया तो आज तू कुर्सी के साथ ही रह। तूने अपनी ताई बैठी ना दिख दी, 80-80 साल की माताएं बहने जब तू इनके चरणा में पड़ा करता, राजे बेचारे खुले में धरती में बैठी है 2.5 महीना तक, तने याद कौन आंदी मेरी दादी के समान माता बहने उड़ बैठी है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, लजा दिया तूने खून को। और दूसरे जो अपने सर छोटू राम के जोते हैं, क्या नाम है, चौधरी वीरेंद्र सिंह, उन पे भी धिक्कार है, आप पे भी, आप भी आगे से अपने नाने का नाम लेके ना वोट मांगने मत जाना। तुम कुर्ते काट के 6 महीने पहले कौन घूमया करता, धनखड़ भी घूमया करता ना, कुर्ते काट के काटता कि MSP लागू करो, MSP लागू करो। 6 साल तक तो आपकी सरकार है धनखड़ साहब, आप कौन से बिल में घुसे बैठे हो, अभी कौन से बिल में धनखड़ साहब घुसे बैठे हैं, कौन से वीरेंद्र घुसे बैठे हैं, इसार से जो सांसद हैं हमने तो कभी देखा नहीं उन्होंने किसानों के लिए या समाज के लिए एक काम भी किया हो, उनको सांसद बना के बिठा दिया। अरे आज तेरे सांसद, तेरे हरियाणा के सारे किसान यहाँ बैठे हैं, कहाँ है वो सांसद, आज क्यों नहीं आया इनके बीच में, किसानों का वोट लेके तो बन जाते हैं ये लोग, और फिर किसान मुसीबत में है। और दूसरा दादा गौतम बड़ा ढोंग कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे, उन्होंने पाप कर लिया MLA बन के। दादा गौतम अगर सच में आप ये मानते हो ना कि आपने MLA बन के पाप किया है, तो ये जो किसानों का तीर्थ स्थान है ना यहाँ आ जाइए, उसको वहीं त्याग पत्र दे दीजिए और यहाँ आ जाइए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन दादा गौतम आप सिर्फ दिखावा करते हो, आपको भी कुर्सी से बहुत ज्यादा प्यार है, किसान के साथ है कल किसान उसके साथ होंगे, और जो आज किसान के साथ नहीं कल हम उसके साथ नहीं होंगे, ये याद रखना आप लोग। जी बताइए क्या कहेंगे? मैं चंडीगढ़ से हूँ, और मैंने ये हमने ये सोचा है, कल का हमने बंद कर रखा है टोल पॉइंट, 2 महीने से वहाँ पे बैठे थे, लेकिन 28 तारीख को दिल्ली से आ गया आदेश की रोक दिए जाए, तो हमने 29 को सुबह सुबह रोकना स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने बंद करना हमें पकड़ना स्टार्ट कर दिया। तो अगले दिन हम पहुंचे, मतलब पूरी फौज से, मतलब 200 किसान एक साथ आ गए, तो अब वहाँ का कल का भी बंद है, मतलब खुला हुआ है, लोगों के लिए खुला हुआ है, लोग खुश हैं, हम खुश हैं। लेकिन मैं हुड्डा फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सांगी से रोज दूध आता है हमारा, और हम आते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जॉब गई तो गई, टिकरी बॉर्डर के भी जॉब गई तो गई, गई तो गई, छोड़ के आ रहा हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ भाई। क्या बात है,
सिविल इंजीनियर बंजी, सिविल इंजीनियर छोड़ के आए, क्या कहेंगे? ये अपनी मर्जी से छोड़ के आए हैं, कोई अगर समर्थन दे रहा है ना तो सरकार उसको इस्तीफा उसका घर भेज रही है, उसको सस्पेंड कर रही है। और जो लोग इल्जाम लगा रहे थे ना कि आसपास के लोग दुखी हैं आंदोलन से, टिकरी बॉर्डर गांव की पंचायत यहाँ हमारे टिकरी बॉर्डर मंच पे आई, 51,000 रुपए वो डोनेशन दे चुकी और वो अनाउंस करके गए हैं गाँव के सरपंच और बहुत सारे बुजुर्ग उनके साथ आए, उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं, लस्सी पानी दूध राशन जितनी भी मदद चाहिए हम साथ देंगे। बहादुरगढ़ के 80-90 लोग एक दिन एक साथ पंचायत करके आए, वो भी कह के गए कि हम किसानों के साथ हैं। यहाँ रहने वाले जो रियासत इलाके में जो लोग रह रहे हैं, किसी को किसानों से कोई तकलीफ नहीं है। कई बार बिजली ना होने से बाद भी ये बेचारे अपने घरों से तार जोड़ के हमें बिजली देते हैं। माताओं बहनों को बाथरूम की प्रॉब्लम हुई, ये सरकार ने जो माताओं बहनों के लिए ट्रॉलियां खड़ी थी ना यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम के लिए, उसको भी यहाँ से उठा ले गए थे। तो जब ये लोगों ने आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि माताएं बहनों को बाथरूम जाना तो इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो गरीब बच्चे है ना यहाँ आस पास रहते हैं वो कहते हैं कि जब आंदोलन खत्म हो जाएगा तो शायद हम 3 टाइम पेट भर के खाना भी ना खा पाए, क्योंकि आज की तारीख में वो यहाँ पे किसान खुद सड़कों पे बैठा लेकिन बहुत सारे गरीब बच्चों का पेट भर रहा है यहाँ बैठने के बाद भी। गरीब बच्चे पॉलिथीनों में राशन बिस्किट पानी इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि सरकार जब तक नहीं मानेगी, हम मानने वाले नहीं है, सरकार को यही बताना चाहूंगी कि सहन शक्ति की एक सीमा होती है और ज्यादा इम्तहान ना लें किसानों का, क्योंकि जन आंदोलन बन चुका है, आक्रोश बहुत ज्यादा है लोगों में। अगर देश का भला चाहते हैं प्रधानमंत्री जी तो जल्द से जल्द कानून वापस ले। थैंक यू बहन जी, उसी में देश की भलाई। आपका इतना कीमती समय लिया, खाने का समय था आपका, भोजन का समय था, आपने बड़ा कीमती समय दिया हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, खेत बचेंगे तो हम खाना खाएंगे, नहीं तो आगे तो सारा देश ही भूखा मरेगा फिर। हाँ जी, इन्होंने मतलब अभी एक मुश्त कब्जा कर लिया है देश के ऊपर, जैसे अंग्रेजों ने किया था, किसी को नहीं समझते। इनको ये तो कीड़े मकोड़े दिखते हैं, उग्रवादी हैं ये, खालिस्तानी हैं ये, गंदे लोग देशद्रोही हैं, ये राष्ट्रवादी है, जो इनकी पक्ष करता है वो राष्ट्रवादी है और जो अपना हक मांगता है वो देशद्रोही है। देशद्रोही। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ ही आप देख लीजिए, यहाँ पे महिलाएं भी हैं और ये देख लीजिए नारेबाजी, ये पूर्ण महिलाएं हैं, सब तस्वीरों में देख रहे हैं आप, देख लीजिए किस कदर यहाँ पे, और यहाँ पे महिलाएं कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।